क्या नाम है जी आपका? घायल। तो किस तरह से इंसिडेंट हुआ है? फोन भी आपके पास आया होगा, क्या कहना चाहिए? मेरे को उन्होंने कहा यहाँ पे आपके कोई गिरा पड़ा है, आपका क्या मतलब कि लगते हैं? मैंने बोला हस्बैंड, मेरे हस्बैंड है। और फिर मैंने मतलब कि फटाफट उठी और वहाँ से निकली। फिर मैंने अपनी छोटी बेटी को कहा भाई जा, सड़क पे धुंध बहुत थी। और फिर पड़ोसियों को उठाया और वो लेके गए, वहाँ पे देखा तो वो खून से लथपथ थे पूरे, मतलब कि पूरा ब्लड ही ब्लड सड़क पे हुआ पड़ा था और बच्चों की तरह रोई जा रहे थे। कहाँ से गए थे, किस सड़क पर है, क्या काम करते थे आपके पति? एग शॉप है सर हमारी। क्या नाम है आपके पति को? धवेंद्र कुमार तागरा। तो फिर किस तरह से हुए, आपको घर से निकलना, दुकान से घर की तरफ आए थे? हाँ जी, दुकान से आ रहे थे। आप पुलिस कुछ कहती है आपकी तरफ से? हाँ जी। सर क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार है। ये जी जी हैं वीरे जी, इनकी टेलीफोन एक्सचेंज के सामने देवेंद्र एग स्टोर के नाम से एग शॉप है, अंडे का होलसेल का कारोबार करते हैं ये। जैसे गाड़ी आती है बार की बार भेज देते हैं ये, तो जैसे शाम को उन गाड़ियों की पेमेंट आती है, तो ये दुकान से कल शाम को करीब 9 बजे के 9:30 बजे के आसपास निकले हैं जी। ठीक है जी, वो कैश का बैग इनके पास था और स्कूटी पे जा रहे थे, तो हमारे पास कॉल आता है सिस्टर का 10:10 पे मेरे पास कि वहाँ पे गिरे हुए हैं, कॉल आया किसी का, रोड पे गिरे पड़े हैं। तो मैंने उसी टाइम घर से निकलता हूँ, 10 मिनट लग गए, धुंध ज़्यादा थी, वहाँ पहुँचते कि वो रोड पे पड़े हुए थे, उनके वो जो कैश का बैग था उनका वो नहीं था उनके पास, और तेज़ धार हथियार से यहाँ माथे पे चोट लगी हुई थी और सारा मुँह और कपड़े खून से लथपथ थे, एक टोपी थी सिर पे वो साइड में गिरी हुई थी, वो भी खून से भरी हुई थी। तो सर अंदाजन कितना कैश होगा आपके अनुसार? अंदाजन देखो जी, एक्चुअल फिगर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग 5 लाख से ज़्यादा कैश था। और ये पूरी घटना सर? और वो तो है जी, ये गांधी नर्सिंग होम के आगे पड़े हुए थे जी, घटना हो सकता है वहीं की है, हमें डाउट है जी वहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पड़े हुए थे ये, वहीं ब्लड किंडा हुआ है। स्कूटी पे कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, स्कूटी पे गिरी हुई थी लेकिन उस पर कहीं भी कोई स्क्रैच नहीं है, और साइड में थे रोड के गिरे हुए। तो कोई आसपास के लोगों से? सर 10:15 की बात है जी, धुंध थी, कोई भी वहाँ आसपास नहीं था। हाँ जी हाँ जी, और जैसे हम पहुँचे वहाँ किसी ने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था, और 10 मिनट के बाद वहाँ मेरे पहुँचने तक एम्बुलेंस आ गई थी, हमने एम्बुलेंस में लेके सिविल हॉस्पिटल गए और उन्होंने न्यूरोसर्जन को इधर शिफ्ट कर दिया जी। यहाँ मेरे तो अभी पीछे 30 नवंबर को चोरी की घटना हुई थी घर में, शहर में माहौल जो है बहुत ख़राब हो चुका है, तो हम तो दरखास्त लगाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि शहर के हालत को सुधारा जाए। चोर अभी तक मेरे वाले भी पकड़े नहीं गए हैं, और हमारे परिवार में ये दूसरा हादसा हो गया, बहुत ही दुखद है। पैसों के लिए इतनी लूटपाट की घटनाएँ होना अपने आश्चर्यजनक है।